ये जो लोग कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा?